अच्छा तो ये क्या खेतों में डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? अच्छा कोई वैसी वाली यहाँ पे उपकरण नहीं रखी हुई जो डायरेक्ट खेत में से अपने आप धान उठा? वो है तो हार्वेस्टर, हार्वेस्टर पीछे है, हुआ पहिया हुआ सब होते हुए मतलब यहाँ से गुजरते हुए आपको फाइन भी भरने। अच्छा मतलब जो यहाँ से जो चीजें गिरेंगी ना एकदम फाइन होगा, उसको बीनने उड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी? जैसे गाँव घर में आपके भी घर में थोड़ा चावल बीन के खाते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं, इतना क्लीन इसका आउटकम है। अरे कितने की होगी पूरी ये मशीन? अरे होगी तो हमें लग रहा है कम से कम करोड़ करोड़ के आसपास होगी, 1 करोड़ की होगी काफ़ी। नमस्कार दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर रहे हैं BHU स्टूडेंट लाइफ। आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कृषि अनुसंधान क्षेत्र, मतलब BHU का एग्रीकल्चर फार्म बोला जाता है इसको। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के 3 हॉस्टल हैं। पहला हॉस्टल है सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉस्टल, उसको दिखाया जा चुका है। उसके बाद मास्टर्स और PG और रिसर्च स्कॉलर के लिए BGT हॉस्टल, बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल, उसको भी कवर किया जा चुका है। दोनों की एक समान खासियत ये है कि आखिरी में कुछ जानकारियाँ ऐसी दी गई हैं वीडियो के ब्लॉग में जो जानकारी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम और यहाँ पे आपके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। वो जानकारियाँ पेरेंट्स के लिए भी हैं, वो जानकारियाँ छात्रों के लिए भी हैं, और आज की जो जानकारी है वो पूरा छात्रों के लिए है कि BHU एग्रीकल्चर, अब आप देख सकते हैं BHU एग्रीकल्चर में कहाँ पे फार्म है, प्रैक्टिसेस जो कराए जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस में उसका फार्म कहाँ है। तो ये रहा उसका गेट, हम आज इस पूरे फार्म को कवर करने वाले हैं और दिखाएंगे आपको कि पूरा फार्म दिखता कैसा है। अंदर लगभग बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि फिशरी के लिए तालाब दिया हुआ है, खेती करने के लिए ढेर सारे फील्ड दिए गए हुए हैं, धान की खेती, सरसों की खेती, मतलब सभी खेतियां जो यहाँ पे रहर की खेती, जितने भी पल्सेस होते हैं सब कुछ उगाए जाते हैं। अंदर ढेर सारे बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्ड का मतलब कि अगर आप सोचते हैं कि BHU में ICAR है या नहीं है, तो BHU में ICAR के ढेर सारे डिपार्टमेंट हैं, और ढेर सारे डिपार्टमेंट हैं तो उनके लिए जो छात्र जो ICAR के थ्रू पढ़ रहे हैं उनके लिए अलग ज़मीन है, वो अलग खेती करते हैं। तो दरअसल बात एक ही बता दें कि ये जो पूरा फील्ड आपको दिखाने वाले हैं वो खेती करने के काम में आता है छात्रों के, छात्र यहाँ पे खेती करते हैं और सीखते हैं, रिसर्च करते हैं, और आज हम आपको पूरा ये रिसर्च का फील्ड जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिखाने वाले हैं। ये BHU के सबसे पीछे पार्ट में आता है, मतलब एकदम आखिरी छोर पे ये जगह है जिसका नाम है एग्रीकल्चर फार्म। एग्रीकल्चर फार्म को पूरा कवर किया जाएगा और दिखाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिखा सकते हैं आपको। ये यहाँ पे मतलब गेट से एंटर करते ही आप देखेंगे कि कुछ छोटी छोटी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी हुई हैं। अगर आप ऐसे करके इसको देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि लाइट ज़्यादा रोशनी, उधर सूरज चमक रहा है, और यहाँ पे गार्ड्स के बैठने की जगह दी गई है। कुछ धान की खेती है, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ धान की खेती है, और आप देख सकते हैं एक खेत दूसरे खेत से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो ये धान की खेती है, जो राइस इसमें लगाया गया है, कल्टीवेट किया गया है इस फील्ड में, इसमें अभी बहुत कम दाने हैं, और बगल वाले में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा दाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको पूरा ये फील्ड, और देखिए और समझिए कि इतना बड़ा जो ज़मीन BHU को जो दिया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के लिए वो कैसा है। तो देखिए, इंजॉय करिए, और बस यहीं से इस जर्नी को बिगिन करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो बनने वाला है क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है, मतलब लगभग 2 किलोमीटर तक यहाँ से लेकर के वहाँ तक जाना पड़ेगा, इतना बड़ा फील्ड है, और उस फील्ड को हम कवर करेंगे और दिखाएंगे आपको। तो यहाँ से एग्रीकल्चर फील्ड स्टार्ट होता है, हमने वहाँ से वीडियो स्टार्ट किया था, और यहाँ देख सकते हैं छोटी छोटी बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे स्टोरेज का कुछ व्यवस्था है, और ये ज़मीन यहाँ पे खाली पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ इधर देखेंगे तो पूरा खेती हुआ पड़ा है, यहाँ पे हर जगह धान ही धान लगे हुए हैं, दूर पे वहाँ पे गन्ना लगा हुआ है, शुगर केन, और आगे हम आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाएंगे, आज ये पूरा एक्सप्लोर कराएंगे आपको।
दोस्तों यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ICAR, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे देख सकते हैं खेतियाँ हुई पड़ी हैं, हम वहाँ से वीडियो स्टार्ट किए थे और ये लेन पकड़ते हुए यहाँ आए हैं, अब यहाँ से हम इधर जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। दोस्तों अभी हम वहाँ पे खड़े थे और उस ICAR वाले बोर्ड को पूरा पढ़ा, और वहाँ से हम पढ़ने के बाद आगे आए हैं इस पाथ को पकड़ते हुए। तो हम अब जाने वाले हैं यहाँ अंदर, पशुपालन होता है यहाँ पे। कुछ बोर्ड लगा हुआ है, हर यहाँ पे जितने भी दूध उत्पादन होता है उसको सिर्फ स्टाफ में दिया जाता है, छात्रों में नहीं दिया जाता, और हर चीज़ की एक जानकारी। अच्छा ये बोर्ड फर्स्ट वैक्सीनेशन ऑन, अजी गाय को भी वैक्सीनेशन लग रहा है क्या, वैक्सीन लग रहा है इनको भी? अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे देखिए एक गाय है जिनको ऐसे रखा जाता है, तो अभी मैंने इसको अंदर से दिखाया, इतना जानकारी काफ़ी था इसको जानने के लिए। काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, और हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं आपको क्या दिखा सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कहीं पे, दरअसल हम अभी वो पूरा आपको फार्म दिखा दिए और अब हम आगे चलेंगे इस पाथ को आगे पकड़ते हुए, देखेंगे हर जगह सिर्फ धान की खेती की गई है, तो कहीं धान लगभग हो गया है 80% और कहीं पे अभी नए नए उगे हुए हैं। तो मिलते हैं आगे, दिखाते हैं क्या दिखा सकते हैं आपको। ये जहाँ दूर दूर तक जितना भी कुछ दिख रहा होगा आपको सिर्फ एग्रीकल्चर का है, मतलब आपको यहाँ से पेड़ पौधे भी जितने दिख रहे होंगे दूर दूर का, सब कुछ एग्रीकल्चर। तो समझ जाइए कि बहुत बड़ा फार्म है, और यहाँ पे ऐसे विश्राम करने के लिए लोगों को बनता है कि लोग जो खेती करने आते हैं वो विश्राम कर सकें, यहाँ पे आराम कर सकें। दोस्तों ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड राइस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, BHU वाराणसी। ये कोऑर्डिनेटेड ट्रेल है और देख सकते हैं आप ऐसे राइस लगे हुए हैं यहाँ पे। अब मैं इस बोर्ड को पूरा पढ़ करके ये पीछे के जो जिस पे काम चल रहा है वैसा, और पानी वानी आप लोग सोचते होंगे कि पानी इतने बड़े फील्ड में कहाँ से मिलता है, तो पानी के लिए हमेशा ये सब चीज़ें लगी होती हैं यहाँ पे, और सब लोग यहाँ से पानी इकट्ठा करते हैं। और आप देख सकते हैं राइस कहीं कहीं पीला पीला हो गया है, कहीं कहीं ग्रीन है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ऐसी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सब राइस पर एक ना एक टैग लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है। जैसे मैं इस टैग को दिखाऊँ आपको, इस टैग पर क्या लिखा हुआ है, ऐसे सारे राइस पे टैग लगा हुआ है, और ये कुछ नई बात नहीं है, ये पढ़ाई हो रही है, ये दर्शकों के लिए नई बात होगी, ये छात्रों के लिए नई बात होगी जो कि यहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी। और भी आगे दिखाते हैं, चावल से भी हट के यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं। दोस्तों ये फिशरी तालाब है, मतलब फिश पॉन्ड है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फिशरी डिपार्टमेंट का है, एनिमल साइंस का है। और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ कैसे तालाब दिए जाते हैं, अगर तालाब की बात करें तो ऐसे तालाब यहाँ पे दिए जाते हैं, ये सिर्फ एक तालाब है ऐसा, ऐसे कम से कम यहाँ पे 15-20 तालाब हैं। और अगर मैं अगर इसको बताऊं तो ये भी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का है। ये जो पूरे जगह पे हम खड़े हैं वो पूरी एक बाउंड्री है, जो बाउंड्री पूरा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में आती है। हाँ वो जो बाउंड्री आपको दूर दिख रही है वो IIT में आता है, तो आप समझ जाइए उसकी एग्रीकल्चर की बाउंड्री वहाँ पे ख़त्म होती है जहाँ पे वो बिल्डिंग है। दोस्तों ये एक बोर्ड और लगा हुआ है, मैं किसी भी बोर्ड को नहीं छोड़ूंगा, जितने भी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट हैं एग्रीकल्चर के उनको मैं दिखाऊँगा आपको, और ये काफ़ी ज़रूरी है जानना कि नहीं किन किन चीज़ों की यहाँ पे खेती होती है या फिर प्रैक्टिसेस करवाए जाते हैं, ये जितने भी प्रैक्टिसेस होते हैं उनको छात्र करते हैं,
और छात्र की मदद करने के लिए अगल बगल के गांव वाले हमेशा साथ आते हैं। आप देख सकते हैं तालाब यहां से स्टार्ट हैं, ढेर सारे तालाब हैं, मतलब इधर एक लाइन से 15-20 तालाब है, और इधर आप देख सकते हैं खेती की गई है, और इधर एक लंबा सा रोड है। तो ये रोड अगर आप ऐसे फॉलो करते हुए जाएंगे, देखेंगे बहुत दूर तक ये रोड जाता है। दोस्तों ये पूरा फिशरिंग तालाब है, और भी हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। ये दूसरा तालाब है, और वो बगल में तीसरा तालाब है, फिर उधर देख सकते हैं तालाब ही तालाब है हर जगह। और इधर चलेंगे हम, आपको दिखाएंगे, इधर देखिए कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने के लिए, जहाँ पे गोडाउन बोलते हैं जिसको, खास करके चीज़ें यहाँ पे रखी जाती हैं, हम वहाँ पे आए हैं और दिखाएंगे आपको कि क्या चीज़ें अंदर है। चीज़ें तो बाहर ही रखी, अंदर क्या रखी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक थ्रेशर रखा हुआ है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए भी यहाँ पे बनाया गया। ये सब जो चीज़ें रखी हुई हैं वो एग्रीकल्चर की हैं, और एग्रीकल्चर में ही हमेशा काम में आती हैं। ये गोडाउन के बगल में एक छोटी सी बिल्डिंग बनी है, आई थिंक क्लास वास के लिए बनी होगी, और गोडाउन के लिए बनी होगी आई थिंक। बीज मिलता है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड को पढ़ना ज़रूरी है। लिखा है नेशनल सीड प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय बीज परियोजना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान संस्था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, BHU। तो लगभग ये यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, और देखिए आप यहाँ पे क्या है, मशीनें लगी हुई हैं, चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी जर्जर हो गई हैं, इन चीज़ों को सही कराना चाहिए, लेकिन और सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से हैं। दोस्तों कुछ मशीन्स रखे हुए हैं BHU एग्रीकल्चर में, ये BHU एग्रीकल्चर का मशीन है, आप देख सकते हैं। ये मशीन किस काम में आता है मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं अपना एक जानकारी नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन हाँ मैं भी यहाँ पे कुछ पढ़ूँगा तो मुझे पता चलेगा कि ये क्या है। ये है इंडेंटेड सिलेंडर सीड ग्रेडर, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये, चार पहिए पे खड़ा ये चीज़। तो ये सब क्या है, ये सब धान वान के लिए रखा हुआ है क्या? ग्रेडर मशीन है, साफ करने वाली, धान साफ करने वाली ग्रेडर मशीन है ये दोस्तों। स्पीड कंट्रोल, मतलब मुझे लगता है कि इसमें यहाँ से कहीं से डाला जाता होगा, यहीं से धान पड़ता है, इसमें से सब कंकड़ इसमें गोल गोल घूमता है। यहाँ पे लिखा हुआ है लिफ्टर एयर कंट्रोल, ये गोल गोल घूमता है ठीक है, और इसमें से सब गंदगी नीचे फंसते जाती है, गोल गोल घूमता है। अच्छा ये गोल गोल घूमता है, हाँ जाता होगा। और यहाँ पे चीजें गिरती होंगी, यहाँ पे चीजें गिरती हैं छन्नी की तरह। और यहाँ पे इसमें डाला कहाँ से जाता है अनाज? वहाँ वहाँ ना, यहाँ से डाला गया, यहाँ से होते हुए लास्ट जो झरना है उस साइड दिखेगा। अच्छा तो ये क्या खेतों में डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? हाँ, ये अंदर से क्या डालना पड़ेगा कि अंदर से अपने आप लेगा? नहीं नहीं यहाँ डालना पड़ेगा आपको, यहाँ से डालेंगे तो ये खींचेगा ऊपर। अच्छा फिर यहाँ से इसमें गिरेगा, ये सब जलेगा हुआ है इसमें। काम करता है ये? हाँ करता है, कब यूज़ होता है मतलब? हाँ सफाई वफाई होता है, अभी तो 2 साल से नहीं यूज हो रहा है।
अच्छा, कोई वैसी वाली यहाँ पे उपकरण नहीं रखी हुई जो डायरेक्ट खेत में से अपने आप धान उठा? वो है तो हार्वेस्टर, हार्वेस्टर पीछे है। ये क्या है? ये अपना ग्रेडर मशीन, इनग्रेडर मशीन है। इनग्रेडर मशीन मतलब सिंपल थ्रेसर से भी तो निकाल सकते हैं अगर ये धान के लिए। इसे ना आपका यहाँ कंकड़ हुआ, पहिया हुआ, सब होते हुए मतलब यहाँ से गुजरते हुए आपको फाइनेंशियली झरने में गिरेगा साफ धान का बीजा जो नहीं होता है वो। अच्छा मतलब जो यहाँ से जो चीजें गिरेगी ना एकदम फाइन होगा, उसको हाँ बीनने उड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी? जैसे गांव घर में आपके भी घर में थोड़ा चावल बीन के खाते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं? इतना क्लीन इसका आउटकम है। कितने की होगी पूरी ये मशीन? अरे होगी तो हमें लग रहा है कम से कम करोड़ के आसपास होगी, 1 करोड़ की होगी। काफ़ी है ना, जनरेटर भी लगा हुआ है ना, इसलिए सब सब जगह यूज हो जाएगा। अच्छा, और इसको क्या ये ट्रक से लेके जाते हैं? ट्रैक्टर संभाल लेता है इतना भारी? जॉन डीयर है ना, ले गए अभी चंदौली तो ले गए थे, चंदौली लेके गए थे। तो क्या ये प्राइवेट काम से भी लोग लेके जाते हैं इसको? वो किसान मेला वाला लगता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, लोग लड़के पूछते हैं मुझसे कि किसान मेरा लगता है क्या बेचू में? लगता है अपने भैया, दो तीन साल से बंद है। और किसान मेला में होता क्या है? किसान मेला में होता है वही सब अपना, जैसे स्टूडेंट हुए पढ़ाई लिखाई के बारे में अपना दिखाते हैं कि हमारा ये है, हमारा वो है, राइस हुआ, वीट हुआ, जो जिस पर रिसर्च करता है अपना लगा के स्टॉल उस्टॉल। अच्छा, अपना और ये जो नौकरी देने वाला मेला लगता है उसका किसान मेला से कोई लेना देना नहीं? नौकरी नहीं लगती किसान मेला से? दोस्तों, किसी ने पूछा था कि किसान मेला होता है कि नहीं होता है बीएचयू में, तो COVID-19 की वजह से कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं, लेकिन किसान मेला लगता है और किसान मेला में सिर्फ एग्रीकल्चर की प्रदर्शनी दिखाई जाती है। आगे देखेंगे और सारी चीज़ें। हर विभाग के लोग होते हैं? हर विभाग के लोग। अच्छा, किसान मेला में बाहर से भी लोग आ सकते हैं? सब आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएचयू छात्र हैं, चाहे जो आ सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा, जिसका भी आने का मन होगा आएगा। ये हार्वेस्टर है, क्रॉप टाइगर। ये इधर से देखने में लग रहा है, अगर बैठेगा कोई तो ऊपर यहाँ बैठेगा। अच्छा, उधर मतलब बैठ करके मुंह को इधर करेंगे हमेशा। अब यहाँ इधर है, ये इधर। वहां पे बैठ करके और इसको आगे की तरफ चलाना हो जी, तो ये चीज है, वो धान को उठाएगा, फंसाता है इसमें, वो कट करता है। और ये तो मतलब घूमेगा, सब घूमेगा, वो भी घूमता है गोल गोल, वो जो है रुको। अच्छा, वो भी घूमता है, ये भी घूमता है, और ये छोटे छोटे पार्ट में कट कर देता है धान, पूरा धान के पेड़ को पूरा भूसा कर देता है, भूसा कर देता है। उसके बाद वो भूसा इसमें जाता है। अच्छा, यहाँ इसमें आता है, फिर अंदर जो होता है प्रोसेस होता है मशीन, ठीक है? अच्छा, और ऊपर लगा होगा निकलने वाला, ये रहा, इसमें से एक साइड से इस चीज़ को टाली में ऐसे लगा देते हैं, यहाँ से फंसा देते हैं। हाँ, और ये धान इसमें टाली में से गिर जाता है और वो ऊपर से भूसा सारा साइड में फेंक देता है पीछे। अच्छा, की ओर धान इसमें होकर के टाली में चली जाती है। इसको ऐसे, ये जो है ये चीज़ पूरा ऐसे खुल जाएगा ऐसे। अच्छा, ये चीज़ ऐसे पूरा खुल जाएगा? हाँ। ओके। और जो भूसा है वो ऊपर से या इस नीचे, यहाँ देखो, ये देखो, ये भूसा जो है इसमें से हाँ। नीचे गिरा दिया जाएगा सारा। अच्छा, यहाँ से ये भूसा वाली जो खेत में नहीं गिर जाती है, जलाते हैं किसान, तो सारा भूसा इसी में से वापस आ जाएगा। बहुत, ये भी बहुत हार्ड है, काफी महंगा होगा ये भी। 35 लाख रुपए? सिर्फ 35 लाख रुपए? हाँ, ऊपर चढ़ने के लिए इधर से चढ़ने। अच्छा, ऊपर भी एक चीज दिखाने लायक है दोस्तों, ये चीज़ भी बनी हुई है इसमें, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बैठने के लिए कुर्सी लगी हुई है। ये हुक है ना, यही हुक यहाँ से खुलता है और ये चीज़ इस साइड से ऐसे खुल जाता है। अच्छा, यहाँ से भी इसको खोलना पड़ता होगा फिर? ये हुक खुलता है यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे 3 गियर दिया हुआ है, बैठने का और वो चलाने का। तो आप समझ लीजिए कि ये पूरा इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। सर, ये तो सभी लोग वाकिफ होंगे इससे। इसका 1000 स्पीड सेम कर दिया जाएगा तो लगेगा नहीं चल रहा है।
पीछे भी कुछ इधर है। सीड ड्रिल, ये सीड ड्रिल है। हाँ, इसमें ऐसे गेहूं और खाद मिला के इसमें डाल देते हैं बोने के टाइम, और यहाँ से इसको ट्रैक्टर में फंसा देते हैं, ठीक है। और ये वाला पहिया जमीन पे घूमता है, वो तो लोहे का पहिया। हाँ, वो जमीन पे घूमता है, और ये जो है इसके बीच में शटर रहता है, वो ऊपर साइड बाय साइड मूव करता है, और थोड़ा थोड़ा गेहूँ इस पाइप से होते हुए इस हल से ज़मीन में धार बनती जाती है, और गेहूँ यहाँ पीछे से ज़मीन में गिरते जाता है। देखिए, अच्छा, काफ़ी मतलब टेक्नोलॉजी है इनके पास। हाँ, एक वो मशीन है, एक ये मशीन है, दूसरी मशीन दिखाया आप मैंने आपको, एक ये तीसरी दिखाया, चौथी इधर आकर के आपको देखना होगा, ये चौथी इसमें कुछ क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। ये वो है, क्या उसको कहते हैं, किसी को भी नाम पता होगा तो इसके बारे में ज़रूर बताएगा, इसका नाम बताएगा, ये जो सफ़ेद वाली मशीन है पूरी इसका। और यहाँ पे सीड और फर्टिलाइज़र, दो चेयर लगा हुआ है, हॉट सीट है, एक पे अमिताभ बच्चन, दूसरे पे मैं, टाइट एकदम। तो ऐसे ही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, काफ़ी पुराने ज़माने का ट्रैक्टर मुझे लग रहा है, इसकी चीज़ को पढ़ेंगे तो कम से कम कितने साल पुराना। मेरे यहाँ सबसे पहले यही ट्रैक्टर खरीदा गया था सन 1970 में, मेसी फर्गुसन 35। 1970, ये कब का होगा, कहाँ लिखा होगा? 1970 चेचिस नंबर पता चलेगा, जो बहुत नीचे लिखा होगा पता नहीं चल पाएंगे। अरे मॉडल याद कर लो ना, 35, 1970 के बाद का मॉडल है ये मेरे। बहुत मतलब इसका कंपनी को लगभग बने हुए क्या 100 साल नहीं है अभी? आराम से हो गए होंगे, 100 साल पुराने हो गए। तो ये सब कंपनी गायब कहाँ हो गई? कहाँ गायब है, मेसी फर्गुसन नई वाली चल तो रही है। नई वाली चल रही है और क्या, बहुत गर्मी हो रहा है। चलो, हल भी है, वो रही सामने देखो, नई वाली मेसी वो। हाँ, अच्छा, नई वाली मेसी। हाँ, हल हार्वेस्टर है, ये थ्रेसर है, ये सारे, ये हल है, ये तो नॉर्मल हल, ये सब ऐसा है। ऐसा मेरे घर गांव पे। हाँ, ये सब ऐसी चीजें रहती हैं, ऐसी चीजें हैं गांव पे, पीछे जो वो नहीं लगा है। हाँ, ये तो काफी भड़कील और बड़ा हो जाएगा, इसको झूठ नहीं बोलने का, लेकिन हाँ ये चीज जब वो सामने रखी है तो मुझे लगता है कि वो कॉमन चीज है जो बहुत ज्यादा यूज में आती है, वो भूसा बनाने गेहूं की दवाई के काम में आता है। वो गेहूं निकाला जाता है वीट कल्टीवेशन के काम में। और यहाँ पे एक है, पूरा नाम लिखा हुआ है, श्याम नगर जीटी रोड करनाल से लेके इसको। ये सारी कृषि उपकरण सारे उधर ही करनाल से ही मिलते हैं, पंजाब साइड, पंजाब से, तभी ना पंजाब वाले लोग धरने बैठे हैं। काफी अलग अलग हल दिए हुए हैं यहाँ पे, देखेंगे इसमें लगता है कि ये जोते जोते हल नहीं है, ये सीड ड्रिल है एक तरीके का, इसमें से वो खाद और बीज दोनों एक साथ जमीन में गड़ते जाता है अपने आप, मेहनत कम लगती मतलब है। मतलब इसमें ऊपर मैंने सीड डाल दिया, खाद और बीजा दोनों ऊपर डाल दोगे, वो ट्रैक्टर में ये यहाँ से फंस जाता है एक्सल इसका पूरा। ये अलग है पीछे वाला, ये अलग। हाँ, कलर का ये अलग, तो दिखने में तो डिफरेंट तो लग ही। हाँ, रहा है तो वो हल में आगे ट्रैक्टर के उसमें फंस जाएगा, ट्रैक्टर खींचते जाएगा और बीजा अपने आप लगते जाएगा सारा गेहूं में। अच्छा, सीड ड्रिल इसीलिए तो उसको कहते हैं। ये देखो पुराने मॉडल का सीड ड्रिल, स्टोरेज है वो ग्रेन सा। हाँ, अच्छा, नमी खींचने के लिए। हाँ, वो उसमें फैला दोगे धूप की गर्मी में से हम एक नंबर। अच्छा, स्टोर। अच्छा, अनाज भीगने के बाद उसकी नमी हटाने के लिए उस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो मतलब देखिए यहाँ पे ये जो छतरी छोटी सी लगी हुई है यहाँ पे, लगभग मुझे लगता है कि 5 से 6 करोड़ की चीज़ आराम से। तो थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें और गड़बड़ भी हो जाती हैं। वहाँ पे बहुत पुराना अम्बेसडर रखा हुआ है, उस अम्बेसडर पे एक बार किसी कोई छात्रा थी, वो ड्रिंक कर ली और ड्रिंक करके उसी अम्बेसडर पे खड़े होकर के नाच रही थी। उन्होंने अपने शरीर को ना देखते हुए अम्बेसडर पे चढ़ना सही समझा, वो बहुत ही गलत था, अम्बेसडर के साथ अन्याय था, बेचारे अम्बेसडर की पूरी एकदम चौपट हो गया, लेकिन छवि बेकार हो गई उसकी। लेकिन हम बात करेंगे, ये बात हम बीच में क्यों ला रहे हैं इस ब्लॉगिंग के बीच में, ताकि अगर आप BHU में घूमे, किसी भी आप छोटे मोटे सामान को डिस्टर्ब करते हैं, कोई भी सामान कोई चोरी करके लेके जाता है,
तो आप जा कर के उसको 15-20-50 रुपये में 1000 रुपये में बेच देंगे, लेकिन वही चीज़ ख़रीदने के लिए BHU को कम से कम 50,000 रुपये फिर से खर्चा करना पड़ता है, नहीं तो पूरा मशीन बदलना पड़ता है। तो अगर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में घूम रहे हैं तो अगर आप कुछ दे नहीं सकते इस विश्वविद्यालय को तो कुछ इससे लीजिए भी मत, मतलब मत छीनिए उसके अधिकारों को, छात्रों के अधिकारों को। और देखते हैं पूरा ये आज, और भी चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाने लगा। दोस्तों कोई भी चीज़ें नई आती है तो BHU में इंट्रोड्यूस कराई जाती है, ये एडवांस फॉर्म ऑफ हल है, रोटावेटर कहते हैं, गांव में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, पूरे मिट्टी को चाल देता है, मतलब एकदम मिट्टी को क्या बताएं, क्रश कर देना होता है ना, एकदम फाइन क्रश मिट्टी को, वैसा ये कर देता है रोटावेटर। और रोटावेटर काफ़ी मददगार होता है जिनके खेत में एडवांटेज ग्रास वास उग गए हैं, उसको पूरा नष्ट कर देता है। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि और क्या दिखा सकते हैं। ये मेरी हॉट सीट है, बैठ जाता हूँ मैं इस पर। ये पूरे हल रखे गए हैं ऐसे ही यूं ही, अलग अलग प्रकार के, बस यही सब सारी चीज़ें हैं। काफ़ी बड़ी फील्ड है इसलिए ढेर सारे उपकरण यहाँ पे रखे जाते हैं। और ये पेड़, इस पेड़ की एक खासियत है, शाम को अगर इस पेड़ पे आप आकर के नीचे बैठते हैं, हजारों चिड़ियाँ इस पे अपना घर बनाई हुई हैं और आके आपको गाना सुनाएंगी। ये धान लगा हुआ है, ये एक है आनंद मार्ग है, ये भी आगे हम लोग कभी कभी बैठा करते थे, अभी भी बैठते ही हैं लगभग। यहाँ गन्ने की खेती हुई है, ये गन्ना कभी भी नहीं सूखता, ये गन्ना पब्लिक के लिए लगाया गया है, जो भी आता है तोड़ता है, फिर इसी में फेंकता है, फिर वो गन्ना उगता है, फिर वो आता है कभी तोड़ता है, ऐसे ही ये गन्ने की खेती चलती रहती है। ये एग्रीकल्चर का फिशरी डिपार्टमेंट का लगभग है, आगे सीड वीड लगाए जाते हैं। आगे चलते हैं और एकदम टाइट चचा, ये देखिए दूर दूर तक आपको जो दिख रहा है वो सब धान की खेतियां हैं, टैग लगा लगा करके की गई हैं। और आगे देखते हैं कुछ IRRI का दिखाएंगे आपको, ICAR के कुछ नया प्रोजेक्ट दिखाएंगे। अच्छा वही राइस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो नया नया अभी स्टार्ट किया गया। आगे जाकर के BHU का रनवे है, रनवे मतलब आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या फ्लाइट उतरती है, नहीं, हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बना है और रनवे के लिए माइक्रो लाइट फ्लाइंग प्लेन जो कि IIT वाले लगभग उड़ाते हैं, NCC वाले लोग उड़ाते हैं, तो वो आगे रनवे यही है, बहुत बड़ा रनवे है, लोग सुबह सुबह दौड़ने और खेलने भी आते हैं, फुटबॉल भी लोग खेलते हैं वहाँ पे। और ये रनवे कभी कभी एक्टिव होता है, ऐसा नहीं कि लोग फुटबॉल के अंदर ही सब रनवे वाला कार्यक्रम चल रहा है। अब आप देख सकते हैं दूर तक, वो दूर तक जितना भी आपको दिख रहा हो, एकदम लास्ट वाले जो घर दिख रहे हैं एकदम ना, वो बाहर हैं BHU के, तो लगभग इतना दूर तक है ये पूरा रनवे। और लोग काम कर रहे हैं खेत में यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पिजन पी, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग
इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये पूरा दाल की खेती यहाँ पे की गई है, पिजन पी उगाया गया है और इधर भी पिजन पी उगाया गया है। और यहाँ पे एक और बोर्ड लगा हुआ है जिसको पढ़ने की आपको ज़रूरत है, शायद ये डिपार्टमेंट के आपका बोर्ड हो सकता है। यहाँ आप देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान, सस्य विज्ञान विभाग, अखिल भारतीय शुष्क भूमि कृषि की संबंधित अनुसंधान परियोजना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो अब इसका जो भी मतलब है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं खेती हुई है किसकी, पिजन पी की, रहर की। और ये रहर की खेती आप देख रहे हैं कितनी दूर तक हुई है। ये रोड दिया हुआ है, एकदम पक्का पक्का रोड दिया होता है, लोग यहाँ पे काम करने के लिए भी आते हैं। और इधर भी एक रोड दिया गया है, आगे चलेंगे हम लोग इस वाले रोड पे। आगे IRRI का बोर्ड है, IRRI का बोर्ड तो BHU से संबद्ध है। चलते हैं देखते हैं। अरे ये पेहटा इसका क्या अचार बनता है कि सब्जी बनता है? तो सब्जी क्या मतलब पीला का कि हरा का? हमने नहीं बनवले है। तो नहीं बने ले, लेकिन तोड़ ले ले हो ना? नहीं देबे के है। बंगाली लोग खा ले, चोखा नहीं खेले हो? अरे नहीं नहीं, इतना सुंदर लगा ना कर चोखा। हां अच्छा, कैसा कुद्रुम जैसा लगता है क्या? हां जैसे कुरु बोला ना कि काट के घाम में डाल दिए सुखा जाए। अच्छा, घाम में डाल के सुखा के देखते समझते वो गाय के खाने वाला है। इनको गैया खाइबो करती, बाकी आदमियों खाना वो कड़ा तो क्या इसको आलू की तरह काट लेते हैं? नहीं, करेला की तरह ना, एक बेड़े बेड़े काट दिया पत्ता का करके फूट खा लिया है। पक जाए ना तो एकदम वैसे ही मोकी वैसे ही खाए में अच्छा लगे। अच्छा, और ये भी तो खाने वाला है ये पत्ता? करेम नहीं, करेम नहीं है वो, करेम नहीं है, तो वहां घास है, लेकिन लग उसी की तरह रहा है। करेम उधर जा रहा है। हमला कर दे रहा है कैमरे पे। चलिए, काफ़ी मतलब कितने पर, कितना पैसा देंगी इसका? हा? पैसा वैसा नहीं देंगी बंगालन? नहीं देंगे, पैसा तो चाहिए, बता रियाज कर दो भाई। कितना कितना का वैल्यू? 10-20 रुपया दे देंगे बस। तब का? अरे चाची ये सब बदे सही है, अच्छा आवत इन मांगा बदे बार बार, तब खिया दे द और हाँ जाए इधर चला, मतलब इधर चलिए आप। इधर तो इधर कुछ हो IRRI का है वो। अच्छा बिल्डिंग ना, बिल्डिंग की चीज़ दोस्तों, BHU का IRRI आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी खेती की गई है, वो भी धान की खेती की गई है। और उसमें से वो फसल बेकार हो गया क्या? वो ब्लैक क्यों हो गया है? रुकिएगा रुकिएगा, ये सब धान का, बहुत ज़्यादा धान की जिम्मेदारी मुझे लगता है BHU लेके। ये पूरा मैंने आपको दिखाया ना पिजन पी, उसका है। और ये IRRI नेटवर्किंग प्रोजेक्ट ऑन राइस, फास्ट ग्रोथ और ज़्यादा, हाँ क्वांटिटी, एक्सेलरेटेड जेनेटिक ग्रेन इन राइस, मार्जिनल इन्वायरमेंट एग्री अलायंस फाउंडेड बाई RRRI फिलीपींस। RRRI फिलीपींस मतलब, सुनो एक चीज नोटिस किए होगे, सिंस 1 अक्टूबर 2019 क्या बोल, नोटिस किए होगे उधर का जहाँ धान जो देखे होगे, हाँ। उसमें का जो पेड़ है बहुत बड़ा बड़ा देखे होगे, ठीक है, हाँ। और बाल उसका छोटा छोटा कम रहता है, लेकिन ये देखो इसका पेड़ छोटा है, ग्रोथ भी जल्दी और बाल भी देखो बढ़िया आ चुका है अभी तक। और वो कुछ वहाँ पे देख रहे हैं काले काले हो गए हैं, जैसे वैरायटी होगी नहीं तो जल गया होगा, जैसे बीच बीच में जो काला काला हुआ है वो जल गया है, वो जल गया है। और एक काला ब्लैक राइस होता है जो नया इन्वेंट किया गया है अभी अभी 1-1.5 साल पहले, उसकी भी हो रही होगी, पूछो बताएंगे। अच्छा आइए, ये जल क्यों हो गया, आइए पूछते हैं उनसे। दोस्तों ये जला नहीं, ये जला नहीं है, ये वही वैरायटी ब्लैक राइस, ये ब्लैक राइस है। हाँ दोस्तों, ये ब्लैक राइस है कि ये जला है, हम इसकी पुष्टि
करेंगे उनसे पूछ के और ये होता क्या है आखिर में। फली ग्रीन है इसकी और पूरे एक लाइन से लगा हुआ है, देखो पूरे एक लाइन से लगा हुआ है, बात तो सही है। ज्यादा एब्जॉर्ब करता है इसलिए किनारे किनारे लगाया गया है इसको। इन सब उस पे भी टैग लगा हुआ है अच्छे से। और बात करो उनसे बताएंगे क्या सुनेंगे। दोस्तों एक और बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, BHU IRRI मल्टी इंस्टीट्यूशनल नेटवर्किंग प्रोजेक्ट फॉर राइस डेवलपमेंट एंड सूप मार्च 2020। क्या चीज़ें देखने को मिल रही है? ये मेरे को लग रहा है सूखा, मतलब सूखे में भी जो फसल हो जाती है वो वाली फसल है, ये कम पानी वाली। और लिखा हुआ कम पानी वाला गेहूँ है ये, क्या कम पानी वाला गेहूँ? पूछो बताएंगे चाचा। अच्छा चाचा ये जो कलर इन लोगों का काला है ये क्या चीज़ है? बाड़र लगा है। हाँ ये बाड़र है। बाड़र ये धान नहीं है? धान है तो फूट रहा है, अलग वैरायटी। अच्छा धान ही है लेकिन अलग वैरायटी, लोग बोले काला धान है क्या? नहीं काला ब्लैक राइस नहीं है। फिर नाम है इसका। क्या नाम है? श्यामला। श्यामला 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 नाम है इसका। और ये मतलब किस आइडिया पे ये किनारे किनारे लगाया जाता है भैया? क्यों आए इसको बॉर्डर मतलब दिए है ना कि अगला पौधा का मतलब उसका बाली बढ़ने से क्लियर हुए। अच्छा मतलब ये बॉर्डर पैक। हाँ इसको बॉर्डर पैक कर दिए है, एक बाउंड्री की तरह बन गया है इसके लिए, इसको मतलब वो आगे उत्पन्न कर। अच्छा बोल दे, कई लोगों को संशय था दोस्तों कि कहीं ये ब्लैक राइस तो नहीं है, कहीं ये डिजीज तो नहीं हो गया राइस में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ श्यामला राइस इसके ब्रांड मतलब ब्रांड का नाम है, बीज का नाम है श्यामला, और यहाँ पे ये बॉर्डर के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब देख सकते हैं कितना फाइन बॉर्डर बनाया जाता है BHU में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी देखने की कोशिश करते हैं। पर्सनल खेत क्या मतलब BHU से भी हटके? दोस्तों अब अगर मैं चौतरफा अगर आपको यहाँ पे खड़े होकर के दिखाऊं, देखिए कुछ ऐसा ही हूँ, ऐसी चीज़ें दी हुई हैं। और भुट्टे की खेती जो होती है उसको थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये भुट्टे की खेती की गई है दोस्तों।
इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की वजह से चल रही हैं। हमने एग्रीकल्चर पे ढेर सारा काम किया था, जैसे शुरू के वीडियो में आपको बताया। ये जो ब्लॉग हम बनाते हैं जो काफ़ी लंबा हो जाता है, वो BHU का ही होता है, न कि मैं अपना घर दिखा रहा हूँ। तो इससे जुड़िए और देखिए। और दूसरी बात ये कि BHU एग्रीकल्चर के एक इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस को दिखा दिया जा चुका है। BHU एग्रीकल्चर में जो ग्रेजुएशन में हॉस्टल मिलता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉस्टल, जो कि BHU में टॉप नंबर पे हमेशा आता है सफाई और अलग क्रियाकलाप के माध्यम से, उसको दिखाया जा चुका है एजुकेशनली। और उसमें पहुंचने का एक जरिया जैसे होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, एक कोर्स में कितनी पढ़ाई होती है, हमारे सेफ्टी के लिए क्या रखा जाता है, खाने पीने की सुविधाएँ, रहने की सुविधाएँ, और एजुकेशनल, एवरीथिंग विल बी एजुकेशनल इन फ्यूचर ऑल्सो। सो जुड़िए इस चीज़ से। और आपको एग्रीकल्चर का मैं बिल्डिंग बता रहा था, तो एक इंस्टीट्यूट है, तीन हॉस्टल है, तीन हॉस्टल में दो बॉयज़ हॉस्टल है, एक गर्ल्स हॉस्टल है। एक बॉयज़ हॉस्टल का नाम SRK कवर किया जा चुका है, दूसरे बॉयज़ हॉस्टल का नाम है BGT, बाल गंगाधर तिलक के नाम पे ये हॉस्टल है, जिसमें न्यू PG हॉस्टल भी बोला जाता है एग्रीकल्चर का, इसको रखा गया है। रानी लक्ष्मीबाई जो हॉस्टल है, तीसरा हॉस्टल एग्रीकल्चर का जो है रानी लक्ष्मीबाई, वो गर्ल्स हॉस्टल है। प्रेजेंट टाइम में रहने वाली छात्रा अगर कोई इस वीडियो को देख रही है तो प्लीज़ आप मदद करें। काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट हैं कि लड़कियों का आप क्यों नहीं सीरीज स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं लड़की नहीं बन सकता। और कोई लड़की अगर भाई अगर हैबिचुअल है कि नहीं, कैमरा ठीक है, मैं चीज़ों को देख सकती हूँ, एजुकेशनल ब्लॉग बना के दे सकती हूँ, लोग मोटिवेट हो रहे हैं, तो लोग मोटिवेट होंगे, आपको भी थैंक यू बोलेंगे। और इसी हिसाब से आज पूरा BHU का एग्रीकल्चर फार्म आपको कवर करके दिखाया। कोई भी नई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमको कमेंट के माध्यम से लिखिए, हम आपको पूरी जानकारी मुहैया करवाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम पूरा एग्रीकल्चर, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के जितने भी कल्चरल फेस्टिवल होते हैं, ICAR स्पॉन्सर्ड, और जितने भी हॉस्टल, क्लासरूम, इंस्टीट्यूट, गार्डन, खेलने की क्या सुविधा होती है एग्रीकल्चर वाले छात्रों के लिए, सब कुछ हम स्टूडेंट लाइफ ब्लॉग, जो कि BHU स्टूडेंट लाइफ है, उस पर कवर करेंगे, दिखाएंगे। ऐसे ही बस्ता लेके घूमते रहेंगे मित्र। और हमेशा इस ब्लॉग से जुड़िए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक वीडियो के बाद लाइव आता हूँ और लाइव आकर के BHU की बातें बताता हूँ। बातों में कुछ कथा नहीं होता है, जो भी ऑफिशियल चीज़ें, नई फॉर्म, नया डिप्लोमा डेट, नया करिकुलम, नया कल्चरल फेस्ट, नई कुछ चीज़ें, कार्यक्रम, सारे चीज़ों से अपडेट कराता हूँ। फिलहाल मैं NTA ने सब कुछ 2021 में एकदम चौपट करके रखा है, छात्र बोल रहे हैं NTA की हमेशा, मतलब NTA की हमेशा नहीं बोलूँगा, इस साल NTA ने एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया BHU का, और काफ़ी ज़्यादा जो कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, वो देखने को मिली। NTA जैसे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो एजेंसी कंडक्ट करा रही है उसमें, तो इन चीज़ों को बदला जाना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए क्या इसे बदला जाना चाहिए या फिर नहीं बदला जाना चाहिए। ऐसे जो चीज़ें चल रही हैं, हीला हवाले से चलने देना चाहिए। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा आपको धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जा गुरु जी का मतलब चढ़ के जी बका कबारे पे। जय हिंद, जय भारत।